नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट ऑरमैक्स के द्वारा जारी कर दी गई है। इस हफ्ते का एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पिछले हफ्ते की तरह ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी टीवी शोज को पिछाड़ते हुए पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं अनुपमा अपनी पहली पोजीशन खोकर दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा। ऑरमैक्स मीडिया टीआरपी लिस्ट में अनुपमा एक पायदान और नीचे सरक गया है। इसके अलावा इस बार कई पसंदीदा शो टॉप 5 में अपनी जगह बना पाए हैं। द कपिल शर्मा शो, इस बार द कपिल शर्मा शो ने दूसरा स्थान हासिल किया है। शो कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है और शुरू होते ही इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। अनुपमा, रूपाली गांगुली, मदलशा शर्मा और सुधांशु पांडे स्टार शो अनुपमा शुरू से टॉप पर रहता है, लेकिन बीते कुछ हफ्ते से शो की टीआरपी थोड़ी कम हुई है। इस बार पहला स्थान तो छोड़े, शो ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि शो ने शुरू से ही दर्शकों का बेहिसाब प्यार हासिल किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इसकी लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है। कौन बनेगा करोड़पति 12, सोनी टीवी का यह शो कौन बनेगा करोड़पति 12 भी ऑरमैक्स मीडिया के टॉप शोज की लिस्ट में है। शो को इस लिस्ट में चौथा नंबर हासिल हुआ है। उड़ारिया, इस शो उड़ारिया ने पिछले कुछ हफ्तों से दर्शकों पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते इस शो को ऑरमैक्स मीडिया के टॉप 5 शोज में जगह मिल गई है। इस शो ने बड़ी उछाल मारी है। खतरों के खिलाड़ी 11, रोहित शेट्टी की शो खतरों के खिलाड़ी 11 का बीते हफ्ते फिनाले वीक था। दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन बिजलानी में कौन शो जीतता है यह देखने के लिए इस हफ्ते फैन शो से जुड़े और शो छठे नंबर पर रहा। यह रिश्ता क्या कहलाता है, शिवांगी जोशी और मोशन कार स्टार सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों बड़ा ट्विस्ट आया है। जल्द ही इस शो में लंबा लीप आने वाला है। इस शो का नया ट्विस्ट लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे में शो 7वें नंबर पर आ गया है। गुम है किसी के प्यार में, नील भट्ट और आयशा सिंह स्टारर सीरियल गुम है किसी के प्यार को लंबे समय बाद लिस्ट में जगह मिली है। शो लंबे समय से टॉप शोज की लिस्ट से बाहर हो गया था। तो ऐसे ही अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।